Hello students, myself Ajay Saini, and today we are going to discuss NSCJS exam solutions. So let us start from 21 questions. What is given? Apple dropping from apple tree were observed by many people before Newton, but why they fall was explained by the Isaac Newton postulating the law of universal gravitation. Which of the following statement best describe the situations? That means hame in char options mein se us options ko choose karna hai jo ki is situations ko, what situation, ki ek apple jo apple tree se drop ho rahi hai vah downward direction mein gir rahi hai. To jo better explain karega vah iska right answer hoga. तो व्हाट वी नो अबाउट इट, ठीक है. फर्स्ट वी नो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप या रिलीज हुआ है, दैट मींस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो जीरो हैं. दैट मींस हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है और एक पार्टिकल जो है वो एप्पल है, ठीक है. बोथ आर इन एयर, क्योंकि हमने एप्पल जो है वो ऑलरेडी एयर में है और अर्थ भी एयर में. तो इसको जब ड्रॉप किया है तो इनिशियल जो मोमेंटम था इसका जीरो था और एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं. इसका मतलब दोनों के ऊपर जो लगने वाला मोमेंटम है फाइनल वह भी जीरो होना चाहिए. अगर एप्पल का मोमेंटम पी वन है और अर्थ का मोमेंटम इनिशियली पी टू है, ठीक है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए, ठीक है. दैट मीन्स पी इनिशियल अगर जीरो था तो पी फाइनल को जीरो होना चाहिए. That means P1 equals to minus P2 होना चाहिए, ठीक है. तो by the direction cosine P1 equals to P2 होगा. And if we divide this value by time t, then it will give F1 equal to F2. That means इन दोनों पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. तो अब ऑप्शन देखते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ओनली ऑन द एप्पल, नहीं, दोनों पे एक्ट हो रहा है. द एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ठीक है. बोथ अर्थ एंड एप्पल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर थर्ड है. द एप्पल फॉल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एंड हेंस ओनली वन इज ट्रू, नहीं, वन ही ट्रू नहीं है. थर्ड इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है क्योंकि अर्थ और एप्पल दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इस कंडीशन को बेस्ट एक्सप्लेन करने वाला जो ऑप्शन है वो अपना थर्ड ऑप्शन है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर पी एंड थ्री आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक वायर है पी जिसको थ्री आइडेंटिकल सेल्स के साथ में अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया है. एन अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन सर्टेन टाइम इंटरवल इन द वायर ड्यू टू द पासेज ऑफ करंट, करंट के पास होने से इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ हीट का अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है फॉर सेवरल टाइम. एंड फिर क्या किया, नाउ द सर्किट इज मॉडिफाइड बाई रिप्लेसिंग पी विथ अनोदर वायर क्यू एंड एन आइडेंटिकल सेल्स ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था कि P और N आइडेंटिकल सेल्स को अपने सीरीज में कनेक्ट किया था, उसी प्रकार से Q वायर को और N आइडेंटिकल सेल्स को भी सीरीज में कनेक्ट किया है. नाउ व्हाट हैपन, द वायर P एंड Q आर ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम डायमीटर, दोनों का मटेरियल सेम है. दैट मीन्स रजिस्टिविटी ऑफ वायर P इजकस टू रजिस्टिविटी ऑफ वायर Q एंड सेम डायमीटर के हैं. दैट मीन्स एरिया ऑफ P वायर इजकस टू एरिया ऑफ Q वायर. इफ द हीट जनरेटेड इन सेकेंड सिचुएशन इज ऑल्सो सेम एज बिफोर इन द सेम टाइम इंटरवेल, दैट मीन्स टाइम इंटरवेल की जो वैल्यूज है वह भी सेम ली गई है. T फॉर P इजकस टू T फॉर Q, ये वैल्यूज अपने पास में गिवन है. तो इसमें जो हीट जो जनरेट हुई है, तो अमाउंट ऑफ हीट इन एनी सर्किट, तो पहले अपने को सर्किट बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट अपन सर्किट ड्रॉ करते हैं फॉर फर्स्ट कंडीशन, कि एक P वायर था जिसके पास में नंबर ऑफ सेल्स थ्री थे और तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे, तो ओवरऑल उनका जो EMF हो जाएगा वो थ्री टाइम्स ऑफ E हो जाएगा.
तो फर्स्ट कंडीशन में ये अपना सर्किट रहेगा जिसमें करंट इस प्रकार से कुछ फ्लो हो रहा होगा। सेकंड कंडीशन में अपन सर्किट बनाते हैं। सेकंड कंडीशन में अपन ने क्या किया कि एन आइडेंटिकल सेल्स थे जिनको सीरीज में कनेक्ट किया है, इसका मतलब ओवरऑल इन ईएमएफ जो हो जाएगा वो एन टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, ऐसा अपने एज्यूम किया है। एंड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्यू है, एंड क्यू की वैल्यू गिवन है कि वो 4 times of P है। ठीक बात है, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 4 times of Q है। ठीक है, तो अब मेजर करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ पी इक्वल्स टू होगा रो ऑफ पी, लेंथ ऑफ पी एंड ए ऑफ पी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ क्यू होगा लेंथ ऑफ रो ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू एंड ए ऑफ क्यू। बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट कि आर क्यू जो होगा वो 4 times of RP होगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन अपन ने प्राप्त कर लिया जिसमें आर क्यू बराबर 4 times of RP है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने कि क्यू इक्वल्स टू 4 times R, ये है तो आर क्यू इक्वल्स टू 4 times of RP। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हीट का अमाउंट जो जनरेट हो रहा है वो दोनों में ही सेम है, इसका मतलब हीट जनरेटेड इन फर्स्ट केस इक्वल टू हीट जनरेटेड इन सेकेंड केस। तो हीट का अमाउंट लिखते हैं अपन कि दोनों में जो करंट है वी स्क्वायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कंडीशन का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन फर्स्ट कंडीशन इनटू टाइम t1, ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंड कंडीशन का स्क्वायर एंड r इन सेकेंड कंडीशन एंड t इन सेकेंड कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है अपनी p वायर के लिए है और सेकेंड कंडीशन q वायर के लिए, तो अपन जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू जो v की थी वो 3 times of V का स्क्वायर डिवाइड बाई आर पी, एंड टाइम की वैल्यू सेम है दोनों में तो t1 पुट कर देते हैं, एंड जो v2 है वो अपना है n v स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यू। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, t1 से t1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा rp, और r की क्यू वैल्यू जो है वो 4 times of RP है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो rp से rp कैंसिल आउट कर लेंगे अपन, तो वैल्यूज कैलकुलेट करने पर अपने पास में जो n की वैल्यू आएगी वो है 6। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 है। ए रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट शोन इन एडजेसेंट फिगर हैज ए चार्ज ऑफ 420 microcoulomb, दैट मीन्स अपने पास में ये एक प्लेट है जो कि पूरी बनी हुई है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 420 microcoulomb है और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट, ओवर इट मतलब इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यूनिफॉर्मली। देन हाउ मच इज द चार्ज ओवर द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का मतलब ये जो पोर्शन अपने को दिख रहा है ये शेडेड एरिया है जिसके अंदर अपने को चार्ज की वैल्यू पता करनी है। एज वी नो कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके एरिया में, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड चार्ज डेंसिटी फॉर दिस सरफेस। तो चार्ज डेंसिटी फॉर एरियल वी डिनोट बाय दिस सिग्मा एंड देट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टोटल एरिया। ठीक है, तो क्यू तो अपने पास में 420 microcoulomb है एंड एरिया, एरिया रेक्टेंगुलर प्लेट है दैट मीन्स लेंथ एंड विड्थ का प्रोडक्ट एरिया होगा इसका, दैट मीन्स 14 × 28 cm², दैट इज द चार्ज डेंसिटी। एंड अगर अब इस चार्ज डेंसिटी को हम शेडेड एरिया के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस शेडेड एरिया में अपने पास में चार्ज आ जाएगा, बाय दिस अपन तो डी क्यू इन शेडेड पार्ट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू है अपने पास में 420 microcoulomb डिवाइड बाई 14 × 28 cm². डी ए फाइंड करना है, तो वॉट इज डी ए, डी ए इसका शेडेड पार्ट का एरिया है, तो वी नो दैट कि जो ये टोटल पार्ट है उसमें से 2 circles अपने को रिमूव करने हैं। अगर इन 2 circles को रिमूव कर दें तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये कुछ पार्ट्स अपने पास में बचे हुए हैं, दैट मीन्स ये और ये वाला जो पार्ट है शेडेड और विदाउट शेडेड जो पार्ट है आफ्टर रिमूविंग सर्कल्स, ये दोनों सेम है और सेम एरिया कवर करते हैं। तो इसका मतलब अगर अपने पास में ये वाला जो टोटल पार्ट आ जाता है तो मैं उसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं,
तो अपने पास में शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट 14 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया है। इसमें से अपने को दो सर्कल्स का जो एरिया है उसको रिमूव करना है। तो दो सर्कल्स का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर, वेयर आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको तो क्यों डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में 45 माइक्रो कूलम आती है। सो दैट द राइट आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 45 माइक्रो कूलम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24, तो देखते हैं। इन एडजेसेंट सर्किट, दैट मीन्स अपने पास में एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर अपने को इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। द वोल्टेज अक्रॉस एडी, एडी मीन्स ये वाला पार्ट जो है उसको एडी का है, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस गिवन है आर ए, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2 × V हो रहा है। नाउ अक्रॉस बी डी, जो बी डी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है वो है 6। इस बी और डी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 6 हो रहा है, जबकि 2 तो मेरा आर ए डी के अक्रॉस हो चुका है। तो 6 करने के लिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 4 × V होगा, एज इन क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं सी डी, सी डी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है 8। सी डी कौन सा है, ये, दैट मीन्स जो सेल का जो ई एम एफ है वो 8 वोल्ट है, और 6 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डी टू डी के बीच में हो चुका है। दैट मीन्स जो रिमेनिंग 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है वो आर सी के अक्रॉस होने वाला है। ठीक है, नाउ वी गेट ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी ए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए डी, ए डी कह देते हैं अपन इसको। तो ए डी इक्वल्स टू होगा करंट इन दिस सर्किट, ठीक है, करंट इन दिस सर्किट मल्टीप्लाई विथ आर ए, करंट इन दिस सर्किट मल्टीप्लाई विथ आर ए गिव 2 वोल्ट। एंड क्वेश्चन में आर ए की वैल्यू गिवन है 1 kΩ, ये अपने पास में आर ए की वैल्यू है, तो वी पुट कर इसके अंदर आर ए की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट आई इक्वल्स टू आर ए की वैल्यू है 1 kΩ, ये डिवाइड में जाएगा एंड इट विल गिव 2 mA ऑफ करंट। तो I की वैल्यू जो सर्किट में हो गई है वो अपने पास में 2 mA है। नाउ वी कैन फाइंड आर सी एंड आर बी, तो कह देते हैं अपन वी बी ए, वी बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू आर बी, दैट इज सिंपल, एंड दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, एंड हियर वी गेट आर बी इक्वल टू 2 kΩ ऑन एज, एज वेल एज ऐसे ही अपन आर बी सी में करेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस बी सी इक्वल्स टू I सेम RC से मल्टीप्लाई होगा एंड देट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। तो नाउ वी गेट RC इक्वल्स टू 1 kΩ। तो अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है RA के अक्रॉस 1 kΩ, RB के अक्रॉस 2 kΩ एंड RC के अक्रॉस 1 kΩ, और अपने को फाइंड जो करनी है वैल्यूज वो RB एंड RC की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है अपने पास में 2 kΩ एंड 1 kΩ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन, वेयर वी गेट 2 ohm एंड 1 ohm इन ऑप्शन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है, इन विच अपने पास में वेव फॉर्म्स गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड इन वेव से टू प्रोड्यूस द वेव फॉर्म पी क्यू आर एस, अमोंग द फॉलोइंग मेस द पेयर्स दैट गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिजल्ट, दैट मीन्स इन में से कुछ वेव्स जो हैं वो बाई कंबाइनिंग ये वेव्स देती हैं, ठीक है, दैट मीन्स इनमें से किसी भी 2 वेव्स 3 वेव्स को अपन कंबाइन करेंगे तो देन वी विल गेट इन वेव्स इन दिस फॉर्म्स, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन चूज करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर पी, तो पी एक वेव है जिसके अंदर फॉर सम टाइम्स इनिशियली 0 एम्पलीट्यूड है एंड देन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, देन 0 एम्पलीट्यूड, फिर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, देन 0 एम्पलीट्यूड, ये वाली वेव अपने को प्राप्त करनी है। तो अपन देखते हैं कि किसके अंदर ऐसा गिवन है, तो अपन फर्स्ट वेव के अंदर देखेंगे तो इसमें नेगेटिव वेव्स गिवन है विथ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसे ही सेकेंड वेव के अंदर नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स अगर हम इन दोनों वेव्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो अपने पास में एक ऐसी वेव आती है जिसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। अब इस 0 एम्पलीट्यूड की वेव में हम कोई भी अगर सेकेंड वेव जोड़ते हैं तो वो सेम वेव को देता है, दैट मीन्स अगर थर्ड वेव को मैं फर्स्ट एंड सेकेंड
के कॉम्बिनेशन में मैं ऐड करूं तो मेरे पास में पी वेव प्राप्त होगी विथ सेम एम्पलीट्यूड एज इट इन थर्ड वेव। तो पी वेव अगर मेरे को गेट करना है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स पी ऑप्शन के लिए ये अपने पास में एम के अंदर गिवन है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को मैं कंबाइन करता हूँ तो पी आना चाहिए। तो पी के लिए जो राइट मैच हो जाएगा अपना एम। अब क्यू के लिए चेक करते हैं अपन कि क्यू अपने पास में है विथ नेगेटिव दिस। तो विथ नेगेटिव दिस है तो नेगेटिव अपना आ रहा है आफ्टर जीरो एम्पलीट्यूड। तो ऐसा कोई भी वेव नहीं है, अगर हमारे पास में ये जीरो एम्पलीट्यूड की लाइन आ रही थी तो इसमें जोड़ने के लिए सेम यही वेव इधर चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करने से अपने पास में कुछ बनने वाला नहीं है। तो थर्ड अगर मुझे चाहिए, ठीक है, क्यों मुझे वेव चाहिए जो कि नेगेटिव की है, तो मुझे पॉजिटिव वाले को जीरो करना पड़ेगा। मतलब सेकेंड पोर्शन पर मुझे नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट में मेरे पास में ऐसा है कि ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की है देन फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड की है। तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो मुझे इस पॉजिटिव वाले को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और पॉजिटिव वालों को कैंसिल आउट करने के लिए अगर मैं फोर्थ वेव को फर्स्ट वेव में मैं ऐड करता हूँ तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कैंसिल आउट होगा। जीरो में नेगेटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ वेव को मैं ऐड करता हूँ तो देन मेरे पास में जो वेव आती है वो क्यों आती है। तो फर्स्ट एंड कौन सा था, फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस ऑप्शन है मैं अपने एन में, तो जो अगर अपने को क्यू वेव चाहिए तो अपने को एन ऑप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ वेव को ऐड करना पड़ेगा। अब आर के लिए देखते हैं अपन, आर कौन सी वेव है, पॉजिटिव विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव विथ ट्वाइस एम्पलीट्यूड। इसका मतलब नेगेटिव वाली वेव हो पहले तो अपने पास में और उसमें नेगेटिव वाली वेव को ऐड करना पड़ेगा। तो अपने पास में नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो वेव में है वो सेकेंड एंड फोर्थ में है। तो सेकेंड एंड फोर्थ को अगर मैं ऐड करूं तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ में जुड़ के डबल एम्पलीट्यूड का नेगेटिव हो जाएगा एंड जीरो विथ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड देगा। इसका मतलब अगर मैं सेकेंड और फोर्थ वेव को मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास में जो आंसर में जो वेव आएगी वो कौन सी आएगी, आर। तो अपन देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये एल के अंदर है। तो आर अगर अपने को चाहिए तो एल। अब एस के लिए चेक करते हैं अपन, एस के लिए क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव विथ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो थर्ड और फोर्थ के ऐड करने पर अपने पास में एस आ रहा है क्योंकि नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये है, ये जीरो, दैट विल गिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड जीरो एंड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दैट विल गिव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे एम्पलीट्यूड्स अपने पास में आ रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास में जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कौन सी आएगी, एस। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है के अंदर। तो अपना आंसर देख लेते हैं, पी फॉर एम तो वो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में है एंड क्यू फॉर एन वो भी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में है एंड आर फॉर एल ये केवल सेकेंड ऑप्शन में है। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26th क्वेश्चन, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ओ। दैट मीन्स एक रिजिड बॉडी है ये एम मास की जिसको अपन ने किसी रिजिड एंड पे, दैट मीन्स वॉल या रूफ के ऊपर हिंज किया है यूजिंग एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स इसके अंदर अपन एक्सटेंशन नहीं कर सकते बाई एनी फोर्स ऑफ लेंथ एल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल थीटा। जो एंगल गिवन है, ये मास पहले मेन पोजिशन पे था उसको हमने थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया है। वॉट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट अपना जो मास था वो मेन पोजीशन पे था जिसको एल लेंथ की स्ट्रिंग से हमने किसी पॉइंट ओ पर हिंज कर रखा है। अब हमने क्या किया, इस मास को यहाँ से उठाया और इस पोजीशन पे लेके आए, दैट मीन्स जो मास है उसने कुछ हाइट गेन की है, ठीक है। एज वी नो कि लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज एल, इफ इट इज एल एंड इट इज थीटा तो ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी एल कॉस थीटा, ठीक है। और टोटल ओवरऑल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, एल है, तो देट विल बी एल। तो हमें क्या चाहिए, ये, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में, एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो आई नो देट कि जो सिस्टम है इस सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस लगे हुए हैं, एक एम जी जो कि ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ सेंटर होता है एंड वन इज टेंशन। तो टेंशन अपना एक फोर्स है जो कि रेडियल है तो इसका वर्क डन तो होगा नहीं, और एम जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है एंड एज आई नो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव
पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाई एम जी, एम जी का वर्क डन पता करना है। एज वी नो कि किसी भी फोर्स का जो वर्क डन होता है वो एफ फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स ये होता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस डेल पी एज वी नो। जो तो यहाँ पे एफ की वैल्यू देते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है एम जी, एंड डी एक्स, डी एक्स कितना है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स जो कि हमारे पास में कितना है एल माइनस एल कोस थीटा, एंड डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कोस थीटा और आएगा अपने पास में कोस थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू क्या है कि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। ठीक है, तो एम जी एल को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट विल रिमेन वन माइनस कोस थीटा, एंड कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, एंड डेट शुड बी इक्वल टू माइनस डेल पी। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स डेल पी ई इक्वल टू एम जी एल वन माइनस कोस थीटा, दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो एम जी एल वन माइनस कोस थीटा का होगा, एंड हियर वी गेट इन फर्स्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर ऑफ 26th क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन एम जी एल वन माइनस कोस थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना है 27, वेयर ए न्यू लीनियर स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज टू बी डिजाइन, इट इज कॉल्ड जेड स्केल ऑन विच द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन 20Z एंड 220Z रेस्पेक्टिवली, एंड वॉट विल बी द टेम्परेचर शोन ऑन द जेड स्केल करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ 20°C ऑन द सेल्सियस स्केल, दैट मीन्स वी डिजाइन ए न्यू स्केल विच इज कॉल्ड जेड स्केल, और एक जो सेल है अपने पास में वो है डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड हियर बॉइलिंग पॉइंट, तो इन डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0°C पे होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100°C पे होता है, एंड ये लेंथ अपन एल मान लेते हैं दोनों स्केल्स के लिए। ठीक है, एंड जो जेड स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 20Z पे है एंड बॉइलिंग पॉइंट 220Z पे है। तो एज वी नो फॉर ए स्केल 220Z माइनस 20Z इक्वल टू, ठीक है, वो होगा अपना एक्स जेड माइनस 20Z, एंड दैट विल बी इक्वल टू फॉर दिस स्केल 100°C माइनस 0°C एक्स डैश डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे अपन, एक्स डैश की वैल्यू ऑलवेज ऑलरेडी गिवन है, एक्स डैश बराबर है 20°C, एंड इसके इक्विवेलेंट अपने को जेड स्केल पर रीडिंग फाइंड करनी है, तो हम इस एक्स डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60Z, आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट इट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास में 60Z के बराबर आती है जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, सो दैट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन 60Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 20th क्वेश्चन, इन विच रिफर टू द adjacent figure a variable force F is applied to a body of mass 6 kg at rest, that means एक body है जो कि rest में, that means u equal to 0 given है अपने पास में कि u बराबर 0 है। ठीक है, और जो mass है body का वो 6 kg के बराबर है। ठीक है, उसके ऊपर the body move along x-axis as shown, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इन डायग्राम कि जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एक्स इक्वल टू 5 meters एंड एक्स इक्वल टू 6 meters इज, एक्स इक्वल टू 5 meters और एक्स इक्वल टू 6 meters पर अपने को बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है, तो हियर वी ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम को अगेन अपन ड्रॉ करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि ये अपना ओरिजिन है, यहाँ से डायग्राम को ड्रॉ किया, किसी समय तक ये किसी स्लोप पे गया है, देन जीरो स्लोप एंड देन फिर अगेन इन्फाइनेट स्लोप देन जीरो स्लोप, तो ये वाली जो लाइन है अपनी 6 पे है, ये वाली जो लाइन है वो 5 पे है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है वो 4 पे है, ऐसे ही ये वाला जंक्शन पॉइंट 4 पे है, और ये फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स का ग्राफ है. तो एज वी नो कि इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन द एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव द वर्क डन ऑफ बाई फोर्स. तो वर्क डन बाई फोर्स अगर अपने को फाइंड करना है तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा एंड देट इज ट्राइंगल. सो देट इस एरिया अपन एज्यूम करते हैं कि ए वन है एंड देट इज रेक्टेंगल. तो इसको अपन एरिया को ए टू से डिनोट करते हैं. देन द टोटल एरिया ऑफ दिस ए वन इज इक्वल्स टू हाफ, ट्राइंगल है तो हाफ लेंथ इन टू विड्थ. तो डालते हैं अपन इसके अंदर लेंथ की जो वैल्यू है वो 0 to 4, दैट मीन्स 4 है एंड हाइट है इसकी 4, दैट मीन्स जो टोटल एरिया आ रहा है वो अपने पास में 8 यूनिट आ रहा है जो भी इसकी यूनिट है. एंड ए टू इज़ टू ए टू अपने पास में रिएक्टेंगल है और द एरिया ऑफ दिस रिएक्टेंगल विल बी विड्थ एंड हाइट. तो जो विड्थ है इसकी 1 है एंड जो हाइट है इसकी 4 है. तो इसका आंसर आएगा 4 यूनिट. एंड एज वी नो कि जो डायग्राम है उसमें अप टू 5 to 6 जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या है, 0 है. सॉरी, स्लोप की वैल्यू भी 0 है एंड फोर्स की वैल्यू भी 0 है. फोर्स की वैल्यू 0 है दैट मीन्स अप टू 5 to 6 मीटर एफ इक्वल टू 0, सो दैट ए इक्वल टू 0 एंड वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स वी एट 5 इक्वल टू वी एट 6. दैट मीन्स अपने को केवल वी 5 फाइंड करना है. तो करते हैं हम कि एरिया कितना है अपने पास में. वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है एज वी नो. ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ दिस ए वन प्लस ए टू टोटल वर्क डन होगा हाफ एम वी स्क्वायर. यू की वैल्यू 0 है एज इट गिवन इन क्वेश्चन. तो पुट करते हैं इसके अंदर एंड वी गेट वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. तो वी 5 की जो वैल्यू है अपने पास में 2 मीटर पर सेकेंड है एंड एट विच अर्लियर फाइंड कि वी 5 इक्वल टू वी 6 है. तो वी 6 की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड. तो हियर वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड इन थर्ड ऑप्शन. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन इन विच वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड. Here it is, next question, 29th. Consider the motion of a small steel body of mass m falling freely through a long column of a fluid that opposes its motion with a force proportional to its speed initially. The body moved down fast, but after some time it attains a constant velocity known as terminal velocity. It weighs mg force. Opposing force jo hai, due to the velocity is fv and bound force due to the medium is equal to Fb act on the body. Then the correct equation relating these forces after the terminal velocity is reached is. That means अपने पास में जो है correct equation find करनी है जो कि Fv, Fb and Mg के अंदर relation देती हो. ठीक बात है. तो as we know कि अगर कोई भी जो mass है किसी fluid के अंदर merge है तो fluid के प्रॉपर्टी की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है दैट इज नोन एज बायोन फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल डिनोट बाय द एफ बी. एंड अनदर फोर्स इज ड्यू टू द मास दे विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड साइड दैट इज इक्वल टू एम जी. एंड अनदर फोर्स दिस कम्स ड्यू टू द वेलोसिटी या फिर विस्कस नेचर ऑफ द फ्लूड. विस्कस नेचर ऑफ द फ्लूड की वजह से किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है जो कि रजिस्टिव होता है. और रजिस्टिव फोर्स जो होता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है. तो जो इस पार्टिकल का मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दैट द फोर्स ड्यू टू द अपोजिंग नेचर विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट डिनोटेड बाई एफ वी. ठीक है, एज वी नो एंड वी टी जो है वो कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स ए इक्वल टू 0 है. नाउ वी राइट द फोर्स ऑफ नेट फोर्स द इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ए. ठीक है, तो एम ए की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो पुट करते हैं एम जी पॉजिटिव
एफ वी अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट मीन्स नेगेटिव, एफ बी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट मीन्स नेगेटिव एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वाई इट इज जीरो? क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू क्यों जीरो है? क्योंकि वी टी कॉन्स्टेंट है। तो एम जी माइनस एफ वी माइनस एफ वी और हियर वी गेट एम जी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी। तो राइट रिलेशन बिटवीन द फोर्सेज आर एम जी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ वी और हियर वी गेट इन थर्ड ऑप्शन एम जी इक्वल टू एफ वी प्लस बी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30th। When a charged particle with charge Q and mass m enter a uniform magnetic field B with velocity v at a right angle to B, ठीक है? तो as we know कि हम जानते हैं कि जब भी कोई particle magnetic field में perpendicular enter करता है तो वो एक circular motion में move होता है। The force on the moving particle is given by QVB and the value of this force will be QVB. This force act as the centripetal force. As we know कि जो पार्टिकल है जब भी इसके अंदर एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के ऊपर उसके मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द चार्ज पार्टिकल गो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ रेडियस आर एंड जो रेडियस होती है उस सर्कल की जिसमें कि पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो होती है एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी velocity of the particle in this circle and Q the mass charge of the particle and B the magnetic field strength in this region. Now if a hydrogen ion and a deuterium ion enter the magnetic field with velocity in the ratio 2:1, what is given? Ki V1, V of hydrogen and V of deuteron, ठीक है? That means अपने पास में deuteron को 1:2 से denote करते हैं हम, ठीक है? तो जो होगा उसको डी से डिनोट कर देते हैं अपन कि 1:4 ड्यूट्रॉन। तो जो रेशो गिवन है अपने पास में 2:1 गिवन है, ठीक है? तो और मास का जो रेशो होता है हाइड्रोजन के पास में केवल एक प्रोटॉन होता है जबकि ड्यूट्रॉन के पास में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दैट मीन्स जो ड्यूटेरियम का जो मास है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में 2 times होगा। तो रेशो ऑफ मास ऑफ एच एंड मास ऑफ ड्यूटेरियम विल बी 1:2, ठीक है? एज इट गिवन इन दिस एंड चार्ज एज वी नो कि हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के पास में भी एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है दैट मीन्स दोनों के पास में जो चार्ज का रेशियो है वो सेम होगा दैट मीन्स 1:1। तो अब करते हैं अपन कि R1 = M1V1Q1V1 ऐसे ही R2 = M2V2Q2V2 and here we get the ratio of R1 and R2 is equal to M1 divided by M2 multiply with V1 divided by V2 and multiply with Q2 divided by Q1 and as in questions given कि B जो magnetic field है same है तो जो radius का जो ratio हो जाएगा तो values put करते हैं M1 divided by M2 जो है वो 1:2 है V1 डिवाइड बाई V2 2:1 है एंड चार्ज का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो इफ वी गेट द रेशियो ऑफ रेडियस दैट विल कम 1:1। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन 1:1 रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31 क्वेश्चन। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टोटल एनर्जी ई ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। एज वी नो ये जो सिंपल पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है दैट मीन्स SHM करता है और SHM में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ई होती है वो ½ kA² होती है एंड ये जो इक्वल है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस ½ kx² के इक्वल होती है किसी भी इंस्टेंट पे। वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब एंड k इज ए कॉन्स्टेंट है। For the pendulum, the amplitude of the oscillation of the pendulum is 10 centimeter given है. Then its total energy is 4 millijoule. Then find value of K. As we know, कि E is equal to 4 millijoule given है and it will be equal to ½ kA² जैसे कि अपने पास में amplitude की value 10 centimeter given है
एनर्जी की वैल्यू 4 मिली जूल गिवन है, तो हम के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही हम ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट 0.8 न्यूटन मीटर इनवर्स द वैल्यू ऑफ के। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन, हियर इज इट 0.8 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन ए स्क्रू नट असेंबली, जैसा कि दिखाया गया है ठीक है, हेल्ड फिक्स इन इट्स पोजिशन एंड द स्क्रू इज अलाउड टू रोटेट इन साइड इट, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज फिक्स ऑन द नट एंड ऑब्जेक्ट पिन पी इज अटैच टू द स्क्रू हेड, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन टिप इज 1 mm, द ऑब्जर्वेशन आर मेड ओनली वेन द इमेज इज ऑब्टेन इन द सेम ओरिएंटेशन ऑन द स्क्रीन एट अ सर्टेन पोजिशन ऑफ पी, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times मैग्निफाइड एज दैट ऑफ द पिन हाइट, थ्रू हाउ मेनी टर्न्स शुड द स्क्रू हेड टू रोटेट सो दैट द इमेज इज 2 times मैग्निफाइड। ये अपने पास में गिवन है कि अपन स्क्रू को कितना रोटेट करें कि जो उसकी इमेज है वो 2 times मैग्निफाइड हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन में अपने पास में गिवन है कि वी डिवाइड बाई यू जो है आंसर अपना 3 times आता है, दैट मीन्स जो लेंस में है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो पोल से इस डायरेक्शन में अगर मेजर करने जाएंगे तो यू की वैल्यू जैसा कि हम लेंगे नेगेटिव लेंगे तो वी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो यू की वैल्यू अगर नेगेटिव डालेंगे तो वी की वैल्यू को पॉजिटिव आना चाहिए, तो वी इज इक्वल टू 3 times ऑफ यू ठीक है। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में अपने पास में जो वी डेस आ जाएगा वो 3 times ऑफ यू डेस आएगा, सॉरी 2 times ऑफ यू डेस आएगा। एंड बाय द लेंस इक्वेशन वी नो दैट कि वी 1/v इज इक्वल टू 1 - 1/u इक्वल टू 1/f होता है, एज वी नो कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स 1/6 cm। यूनिट्स रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, सेम यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि v की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स 3u, एंड u की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास में आता है 4u/3u² इक्वल टू 1/6, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में u की जो वैल्यू आएगी वो 8 cm आएगी ठीक है। तो u की वैल्यू जो है वो 8 cm है उस डायरेक्शन में। ऐसे ही अपने पास में सेम u डैश की वैल्यू आएगी सेम फॉर्मूला रखने पे, तो u डैश बराबर आएगा 9 cm। तो u डैश और u में जो डिफरेंस है अपना वो है 1 cm, एंड एज वी नो कि जब टिप को अपन एक राउंड करवाते हैं तो ये 1 mm से आगे होती है, तो 1 cm अगर आगे लेके जाना है तो देट विल बी इक्वल टू 10 mm। दैट मीन्स कि अगर अपने को 10 mm स्क्रू को, दैट मीन्स पॉइंट पी को आगे या पीछे करना है तो अपने को जो नट है उसको 10 times रोटेट करना होगा, तो जो रिवोल्यूशन का जो नंबर है वो कितना होगा 10। तो जो आंसर होगा अपना सेकेंड ऑप्शन होगा कि अपने को जो टिप हेड है उसको 10 times रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, द ट्राइंगुलर फेस ऑफ ए क्राउन ग्लास प्रिज्म ABC इज आइसो सेल है, लेंथ AB इक्वल टू लेंथ AC है, एंड द रेक्टेंगुलर फेस विथ एज AC इज सिल्वर्ड एंड ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन रेक्टेंगुलर फेस विथ एज AB, इट अंडरगो रिफ्लेक्शन एट AC एंड AB इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है एंड इट इमर्ज नॉर्मली थ्रू द रेक्टेंगुलर बेस विथ एज BC, देन द एंगल BAC ऑफ द प्रिज्म इज। तो हम इसका अपर व्यू लेते हैं, जिसने अपर व्यू से आपका अपन देखेंगे तो अपने पास में एक ट्राइंगल दिखाई देता है जो कि आइसोसेल प्राप्त होता है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि दो साइड्स की वैल्यू जो है वो सेम है और वो दो साइड्स हैं AB एंड AC। तो अगर दो साइड्स इक्वल होंगी किसी ट्राइंगल की तो उसके दो एंगल्स जो होंगे बेस पर वह भी इक्वल होंगे, इफ़ इट इज थीटा तो देट विल आल्सो थीटा। और इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं अल्फा ठीक है। तो अब क्या कहा है कि जो ऐसी फेस है उसको हमने सिल्वर्ड किया है ठीक है, अब इसके ऊपर एक जो रे इंसिडेंट हो रही है
वो कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और कौन से फेस पे हो रही है, एसी फेस पर, सॉरी एबी फेस पर इंसिडेंट हो रही है। अगर कोई भी रे किसी भी सरफेस पर अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो नॉर्मली रिफ्रैक्ट होती है। तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो इस सरफेस ऐसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एबी पे आएगी, और एबी पर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बेस बीसी पर परपेंडिकुलरली इमर्ज हो रही है। इसका मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। एंड हियर वी नो कि ये नॉर्मल है, इफ़ इट इज़ अल्फा ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, एंड ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लो ये अल्फा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वह भी अल्फा होगा। इफ इट इज अल्फा और ये 9 अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस 2 अल्फा होगा, दैट मीन्स ये 2 अल्फा होगा। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन रो कि अगर ये 2 अल्फा है तो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वह भी 2 अल्फा होगा, अगर ये 2 अल्फा है तो ये 90 माइनस 2 अल्फा होगा। तो अपने पास में अब ट्राइंगल जो है वो ये वाला है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 होना चाहिए। और फर्स्ट तो इस फर्स्ट तो अपन बड़े वाले ट्राइंगल पे लगाते हैं जिसके अंदर अल्फा प्लस 2 थीटा जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 90 माइनस अल्फा बाई, ठीक है, माइनस अल्फा बाई 2, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन इस ट्राइंगल पे लगाते हैं छोटे वाले पे, जहाँ पे अपने पास में एंगल है 90 माइनस 2 अल्फा, एंड सेकेंड एंगल है थीटा, एंड फिर एंगल है 90, एंड दैट विल बी इक्वल टू 180। यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, 90 माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा बाई 2 एंड प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे, 90 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 36 डिग्री। एंड अल्फा अपना क्या था, बी ए सी, तो बी ए सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है 36, तो हियर वी गेट इन थर्ड ऑप्शन। तो जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए फिजिक्स टीचर एज वी एंड हिज फैमिली आर ट्रेवलिंग इन ए कार ऑन ए हाईवे ड्यूरिंग ए सीवियर लाइटनिंग स्ट्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लाइटनिंग स्ट्रॉम है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी लाइटनिंग स्ट्रॉम होता है तो लाइट जब किसी भी सरफेस पे गिरती है तो उसको बर्न कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू शील्डिंग फैक्टर, ठीक है, क्या होना चाहिए कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, अगर वो कंडक्टिंग सरफेस है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं कि सेफेस्ट प्लेस विल बी इनसाइड द कार एज द चार्ज ड्यू टू लाइटनिंग टेंड टू रिमेन ऑन द मेटल सीट ऑफ व्हीकल इफ स्ट्रक बाय द लाइटनिंग। सही ऑप्शन है कि अगर वो कार के अंदर रहेंगे और कार के ऊपर अगर लाइट आती है तो जो चार्ज होगा शील्डिंग इफेक्ट के कारण उसके सरफेस पे होगा, इनसाइड में ट्रेवल नहीं करेगा, तो जो सेफेस्ट प्लेस होगा वो कार के अंदर होगा। तो राइट आंसर अभी तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बनता है, इट इज़ टू डेंजरस टू बी इनसाइड द कार, नहीं, ये तो बेस्ट प्लेस है। सेफेस्ट प्लेस इज अंडर ए ट्री, नो, अंडर ए ट्री एक सेफ प्लेस नहीं हो सकता। इट इज़ सेफर टू एग्जिट द कार, नहीं, इनसाइड द कार सेफर प्लेस था। तो जो राइट आंसर है अपना वो मोस्ट एक्यूरेट फर्स्ट ऑप्शन है, तो सेफेस्ट प्लेस विल बी इनसाइड द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप इज कैरिंग ए करंट आई एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एज शोन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देन विच फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन्स। एज वी नो कि टू लाइंस मिलकर एक प्लेन बनाती हैं, तो दो प्लेन्स कौन कौन से हैं अपने पास में, एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन्स हैं, दो सरफेस ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन्स विच आर सीन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हर एक लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अपन मान लेते हैं कि एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है और जिसमें आई करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है।
ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से अपन देखेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल होती है और जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स इस सरफेस या इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स फील्ड लाइन्स हैं वो एग्जर्ट हो रही हैं फ्रॉम दिस प्लेन। दैट मीन्स ये वाला जो प्लेन है, जो फ्रंट फेस है, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा जब सर्कल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इन फोर्थ ऑप्शन में अपने को वैसा वाला एक लूप फाइंड करना है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा और फ्रंट फेस जो होगा वो नॉर्मल होगा। दैट मीन्स इससे जो फील्ड लाइन से वो बाहर निकल रही होगी। देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन से अगर आप देखते हैं तो जो फ्रंट फेस है अपना उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन है कि निकल रही हैं। दैट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, इसमें अंदर एंटर कर रही है तो ये गलत है। इसके अंदर दोनों अपोजिट मैनर में, एक में एंटर कर रही है एक में निकल रही है तो ये भी गलत है। और इस फोर्थ ऑप्शन थर्ड का अपोजिट है तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इन विच करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द फ्रंट फेस बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36, ए पार्टिकल एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या गिवन है, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है एंड जो टाइम पीरियड है वो 20 सेकेंड का गिवन है, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स यू की वैल्यू जो है वो 0 गिवन है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस एस वन इन द फर्स्ट सेकेंड, जो एस वन है फर्स्ट 10 सेकेंड जो डिस्टेंस आया है वो एस वन है एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस आया है वो एस टू है। ठीक है, तो एक पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर हम ड्रॉ करें वी टी का ग्राफ, वी और टी का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वी और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस वी टी का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है एंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस होता है। तो आपने को पता है कि 10 सेकेंड ये फर्स्ट चला है, देन अगेन 10 सेकेंड ये चला है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में जो इसका एरिया होगा वो ए वन होगा एंड अगेन नेक्स्ट सेकेंड 10 सेकेंड में जो इसका एरिया होगा वो टोटल ए टू होगा। ठीक है, तो एस टू जो होगा अपना ए टू के बराबर होगा और जो एस वन होगा वो ए वन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब एरिया अपन इसका फाइंड कर लेंगे जैसा कि ग्राफ में गिवन है एंड अपने को रेशियो फाइंड करना है इसलिए अपने को वी की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो एस वन इज़ टू हाफ वैल्यूज पुट कर देते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यू की वैल्यू 0 गिवन है प्लस हाफ ए टी वन की वैल्यू 10 सेकेंड का स्क्वायर है। ऐसे ही एस टू निकालते हैं अपन, वो भी सेम 0 प्लस हाफ ए 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का होल। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका कि एस वन डिवाइड बाई एस टू वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ ए 100 डिवाइड बाई हाफ ए इंटू 300। ठीक है, तो एस वन इज़ टू एस टू डिवाइड बाई 3। तो आंसर्स देख लेते हैं अपन, एस टू इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस वन, सही बात है कि एस टू इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस वन आ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th, ए स्कूल इज लोकेटेड बिटवीन टू क्लिफ मतलब दो बॉल्स के बीच में, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। व्हेन द मेटल बॉल इज स्ट्रक बेल इज स्ट्रक बाय द स्कूल अटेंडेंट, फर्स्ट इको इज हर्ड बाय हिम आफ्टर 2.4 सेकेंड एंड द सेकेंड इको फॉलो आफ्टर 2.0 सेकेंड। दैट मीन्स फर्स्ट इको 2.4 सेकेंड,
एंड जो सेकंड इको है वो फर्स्ट इको के 2 सेकंड के बाद में आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट इको के लिए अगर 2.4 सेकंड का टाइम इंटरवल लगा है तो दूसरी वाली इको के लिए जो टोटल टाइम लगा है वो 4.4 सेकंड का लगेगा, क्योंकि 2.4 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद में 2 सेकंड और चला है। दैट मीन्स टोटल जो टाइम है सेकेंड इको के लिए वो होगा 4 सेकंड। तो T1 फॉर फर्स्ट इको के लिए 2.4 सेकंड एज इट गिवन इन क्वेश्चन, एंड T2 फॉर सेकेंड इकोज टाइम इज इक्वल्स टू 2.2 + 2 = 4.4 सेकेंड। ये जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या किया, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एट द टेम्परेचर ऑफ दिस सराउंडिंग देन द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ इज अप्रॉक्सीमेटली, तो क्लिफ्स के बीच के जो डिस्टेंस फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट क्लिफ है, ये सेकेंड क्लिफ है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड बोल देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ कहीं पर मैं स्कूल को मान लेता हूँ, तो यहाँ से स्कूल से अटेंडेंट ने बेल को स्ट्रक किया है, यहाँ से साउंड निकलेगा और वो फर्स्ट क्लिफ की ओर जाएगा, वहाँ से आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये वापस इसके पास में आएगा, अटेंडेंट के पास में, और अटेंडेंट को एक इको सुनाई देगा। ऐसे ही साउंड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस क्लिफ के पास में जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस अटेंडेंट को एक इको सुनाई देगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपन D2 मान लेते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले क्लिफ की इसको D1 मान लेते हैं फ्रॉम दी स्कूल। एज वी नो कि फर्स्ट इको यहाँ से जाएगा देन फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द इको वो होगी फर्स्ट के लिए 2D1 होगी एंड सेकंड के केस में 2D2 होगी। तो अपन T1 का टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ D1 डिवाइड बाई V। ऐसे ही T2 का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ D2 डिवाइड बाई V। एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ D1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, T1V डिवाइड बाई 2। ऐसे ही D2 की वैल्यू आ जाएगी T2V डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ, दैट मीन्स D1 + D2 का वैल्यू पूछा है। तो पुट कर देते हैं इसके अंदर, D1V डिवाइड बाई 2 + T2V डिवाइड बाई 2। एंड जब इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1.16 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3rd ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38। तो 38 क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर का पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का इंटरनल जो सरफेस होता है वो सिल्वर्ड होता है, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन लेता है, ठीक है। ये सब कुछ गिवन है अपने पास में। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक्स के बराबर है, तो जो इसकी फोकस लेंथ होगी ये वो x/2 के बराबर होगी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर इज y, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो y गिवन है फ्रॉम द फोकस। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस, तो फोकस से इमेज की डिस्टेंस को पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इसका फोकस है और फोकस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है और फोकस से इमेज की डिस्टेंस पूछी है, तो वन रिलेशन व्हाट आई नो इज f² = x1 × x2, वेयर x1 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस एंड x2 रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस। एंड व्हाट वी वांट टू नो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, तो x2 इक्वल टू जो होगा वो होगा f² / x1। तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो फोकस लेंथ है वी ऑलरेडी फाइंड इट x/2, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे x/2 का स्क्वायर एंड x1। व्हाट इज x1, x1 इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन y। तो ये जो आंसर हो जाएगा अपना हो जाएगा x² / 4y। तो मैच कर लेते हैं अपन ऑप्शंस के साथ में, तो 3rd ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू गिवन है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x² / 4y, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 39 है। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन ए बीकर, व्हेन द आइस मेल्ट कम्प्लीटली द वाटर लेवल इन द बीकर विल बी। तो ये ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो व्हाट इज गिवन कि एक आइस की पीस है, कैसी भी शेप की हो सकती है, इसको 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर के बीकर में रखा है, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आइस मेल्ट होएगी। तो आइस मेल्ट होएगी तो ये वाटर में
मिक्स होगी, और जैसे ही वाटर में मिक्स होगी तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जैसे ही आइस मेल्ट होने के बाद में 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी और वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों मिलकर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो टेम्परेचर होगा वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एंड एज वी नो कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का टेम्परेचर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। एंड जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं फ्रॉम दी 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट अपन डिनोट कर लेते हैं कि जो डेंसिटी है लेस देन एट 4 डिग्री सेल्सियस वो होगी कि कम होएगी, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी को अपन डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो दैट विल इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो वॉल्यूम होगी ऑब्जेक्ट की वो लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होगी वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स पहले वॉल्यूम कितनी थी 4 डिग्री सेल्सियस पे वी, और अब जो वी डेस होगी दैट मीन्स लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस पे वो ग्रेटर होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करना हुआ तो वाटर लेवल को राइज करना होगा, और वॉट आज द वाटर लेवल इन द बीकर विल, तो क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम मेरे को इंक्रीज करना है फर्स्ट वॉल्यूम से, तो इंक्रीज करने के लिए जो लेवल होना चाहिए उसको राइज होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस 39th क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, द वाटर लेवल विल राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 40th क्वेश्चन है, ए साउंड वेव इज प्रोपेगेट प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग मेटालिक स्ट्रिंग, ऑफकोर्स वी कैन प्रोड्यूस इट स्ट्रेस बिटवीन इट्स एंड, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, सम ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कुछ ऑप्शंस करेक्ट हैं। व्हाट वी नो अबाउट द साउंड वेव, साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, उसको ट्रेवल करने के लिए मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होता है। तो दैट मीन साउंड वेव इज प्रोड्यूस इनसाइड द स्ट्रिंग, क्या ऐसा है कि साउंड वेव क्या स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई है? नहीं, जो स्ट्रिंग्स में जो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो तो किस टाइप की है, ड्यू टू द कंपन प्रोड्यूस हुई है, और जो वो टाइप्स का वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। दैट मीन्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव है वो साउंड वेव नहीं हो सकती, क्योंकि साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है सेकेंड ऑप्शन को, तो ये जो ऑप्शन हो गया अपना गलत है। नाउ साउंड वेव इन द स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स, साउंड वेव तो ट्रांसवर्स होती नहीं है, वो तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। द वेव लेंथ ऑफ दिस साउंड वेव इन सराउंडिंग एयर इज इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रिंग, हाँ ये चीज़ सही है कि जो स्ट्रिंग के अंदर है वो ट्रांसफर वेव है और जो सराउंडिंग के अंदर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बट वॉट वी नो अबाउट, कि हम जानते हैं कि जो सराउंडिंग है वो एयर है और जो स्ट्रिंग है वो सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड में किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कंपेयर टू एयर ज़्यादा होती है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो, और या फिर ये कहें कि हम दो मीडियम्स में किसी भी सिंगल वेव के पास में दो वेलोसिटी हैं, तो वी नो द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू वी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। ठीक है, दैट मीन्स वी बाई लेमडा का जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का फंक्शन है। तो अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगी दो मीडियम में तो उसका लेमडा भी डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब ये सही बात है कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन सराउंडिंग एयर इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स ऑन द स्ट्रिंग, नहीं इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स ये आंसर गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, व्हाट वी नो अबाउट लाउडनेस, तो जो लाउडनेस होती है वो फंक्शन होती है इंटेंसिटी का, किसका इंटेंसिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है। एंड वी नो वेरी वेल कि जो इंटेंसिटी होती है वो फंक्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। दैट मीन्स अगर लाउडनेस इंटेंसिटी का फंक्शन है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का फंक्शन है, तो जो लाउडनेस होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का फंक्शन भी होगी। तो देखो, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड,
सही बात है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आंसर जो होगा, ये स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अपने को क्या चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पी नहीं गलत है, आर एस रॉन्ग है, पी एन क्यू भी रॉन्ग है, ओनली एस इज करेक्ट। राइट आंसर ऑफ दिस 40th क्वेश्चन विल बी एस। थैंक यू स्टूडेंट्स।